हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसल्टेंसी के फ्रॉड के बारे में। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कंसल्टेंसी हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेल रही हैं, जॉब के नाम पे वो हमसे कितने रुपए ठगते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही सब क्लियर करने वाले हैं कि जॉब कंसल्टेंसी हमसे किस तरह से और कितने रुपए ठग रही हैं। क्योंकि आज तक तो हमने स्टडी की है, उसमें पैसा दिया है, उसके बाद हम जॉब के लिए जॉब कंसल्टेंसी को भी पैसा देते हैं और वो हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं, इस सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही अपील है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि इस वीडियो को हमें सरकार तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो इतना बड़ा है कि अभी आपको जब मैं क्लियरली बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा गेम है और इसमें हम किस तरह से पिस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अपील है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंसल्टेंसी आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, कंसल्टेंसी एक ऐसी संस्था है जो कि हमें जॉब प्रोवाइड कराती है। इसके लिंक काफ़ी सारी कंपनियों से होते हैं और यहाँ पर एक तरह से ये हमारे लिए एक जंक्शन है, जॉब के लिए एक जंक्शन। तो यहाँ से हमारे लिए काफ़ी सारी वैकेंसी मिल जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये नहीं पता है कि 90% जो कंसल्टेंसी है वो सारी फेक हैं और वो हमारे साथ फ्रॉड करती हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो हमसे 1,000, 500, 600, 800 रुपये ठग लेती हैं। सो फ्रेंड्स, आप ऐसी किसी भी कंसल्टेंसी के झांसे में मत आइए। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे इंडिया देश में 1,00,000 के आसपास कंसल्टेंसी हैं और अगर वो हमसे 500 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते भी हैं तो आप समझ सकते हैं तो वो 5 करोड़ रुपीज़ के होते हैं। और ऐसे में फ्रेंड्स, ये कंसल्टेंसी केवल एक रजिस्ट्रेशन एक दिन में नहीं करती हैं, ये काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन एक दिन में करती हैं। अगर एक कंसल्टेंसी 10 रजिस्ट्रेशन अगर रोज के करती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास से कितना पैसा ये कंसल्टेंसी लूट लेती हैं। अगर 10-10 रजिस्ट्रेशन ये करेंगी तो हमसे 50 करोड़ रुपए ये लूट लेंगी। और फ्रेंड्स, आप तो सब जानते ही हैं कि हम लोग पहले किस तरह से स्टडी करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है। और जब जॉब के लिए हम जाते हैं कंपनी में तो वो हमें कंसल्टेंसी में भेजते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजते हैं। तो ऐसे में हम जब कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो हमसे वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ऐसा ही फ्रॉड एक मेरे साथ भी हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ है करोल बाग में, जो कि एक एक्जोन कंपनी है जिसमें इनका दावा है कि ये ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने मुझसे सर्विस चार्ज भी लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, वो भी अच्छी कंपनी के लिए, वो मदरसन कंपनी जो कि मारुति के पार्ट्स बनाती है, तो इसके लिए इन लोगों ने मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे जॉब प्रोवाइड नहीं की। और जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉल सेंटर में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे कॉल सेंटर में ही जॉब करना थी तो फिर मैं इन लोगों के पास क्यों जाता, क्योंकि कॉल सेंटर में डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। तो ऐसे में मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज में क्यों कराऊंगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, ये लोग हमसे इसी तरह से किसी अच्छी कंपनी के नाम पे पैसे ठग लेते हैं। आपके पास कॉल करेंगे, आपको किसी अच्छी कंपनी के लिए बताएंगे और ये भी कहेंगे कि हम डायरेक्ट कंपनी से बात कर रहे हैं। और ऐसे में आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि ये इंटरव्यू रियल इंटरव्यू है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, जो भी पे करना होता है वो पे कर देते हैं और उसके बाद बस आप इनके ऑफिस के या तो फिर चक्कर काटते रहिए या फिर फोन पे आपको ये नेक्स्ट डेट देते रहेंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई ऐसा बिल पास करना चाहिए जिसमें कि कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज हमको किसी भी कंसल्टेंसी को पहले ना देना हो। फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपकी जॉब कहीं लगवाती है तो जो भी जॉब की फर्स्ट सैलरी है तो उसमें से जो भी 500 या 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो किसी भी कंसल्टेंसी को जाना चाहिए। इससे पहले हमें किसी भी कंसल्टेंसी को कोई चार्ज नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम पे इतने सारे बेरोजगार लोग हैं कि मत पूछो कि कितनी उन लोगों ने कैसे कैसे ग्रेजुएशन किया, किस तरह से पढ़ाई की है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने फिर भी स्टडी की, लेकिन फिर भी यहाँ पे जॉब उनको नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और इस पे कोई ना कोई ऐसा बिल पास करना चाहिए जिससे कि कंसल्टेंसी को हमें पहले पैसे ना देना हो। जो भी हमारी सैलरी है अगर वो हमें लगवा देते हैं तो जो भी हमारी फर्स्ट सैलरी है उसमें से उसका जो भी कमीशन है वो एडजस्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी का या कहीं भी कोई भी जॉब का कॉल आता है या फिर कोई ईमेल आता है तो पहले उस चीज़ को देखें और कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन चार्ज ना दें। क्योंकि जहां भी आप अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आप पहले ही समझ जाइए कि ये फेक हो सकता है, क्योंकि 90% जो कंसल्टेंसी है वो सारी
फेक हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ अपने स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था और जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। सो फ्रेंड्स, ये कंसल्टेंसी दिल्ली के करोल बाग में पड़ता है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आप। इसका जो नेम है वो है एक्सॉन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म लेटर मुझे दिया था, इसमें इन्होंने मुझसे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज कराया था, 800 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज था। इसके अलावा इन लोगों ने इस पर GST भी लगा के इसको 940 रुपये मुझे पे करना पड़े थे। इसके बाद भी फ्रेंड्स मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो अपने हर फ्रेंड को कर ही दीजिए, और आप इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।